न्यूज़ वॉल इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की और पहली खबर फर्रुखाबाद से, जहां तेज गर्मी की वजह से ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई। धुधु का जला ट्रांसफार्मर की तेज लपटे निकलने से हाहाकार मच गया। आग से 500 मीटर तक ट्रांसफार्मर के तेल के उड़े फव्वारे। ट्रांसफार्मर में आग लगने से रोड जाम हो गया। करीब आधा घंटा तक ट्रांसफार्मर की तेज लपटें उठती रही। वहीं सूचना के बाद भी नहीं कोई बिजली विभाग का कर्मचारी पहुंचा। ये पूरा मामला थाना नवाबगंज क्षेत्र का है। अमरोहा के नौगावा सादर क्षेत्र में चल रही है अवैध तरीके से आरा मशीनों को वन विभाग ने पकड़ा है। वन विभाग की टीम ने छापेमारी की। अवैध तरीके से चल रही आरा मशीनों के उपकरणों को भी जब्त किया है। श्रावस्ती में डीएम के साथ एसपी घनश्याम चौरसिया सहित संबंधित जिला स्तर अधिकारियों ने मतगणना स्थल का जायजा लिया और संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। कलेक्ट्रेट के और तथागत हॉल में बनाया गया मतगणना स्थल, सीसीटीवी कैमरा, सुरक्षा व्यवस्था का बारीकी से निरीक्षण किया गया। सभी तैयारियों को जल्द पूरा करने का भी निर्देश दिया गया है। सभी राजनीतिक पार्टियों के सदस्यों को बैठने के लिए लगाए जाएंगे बैरिकेड। बिना पास के कोई भी व्यक्ति नहीं कर पाएगा प्रवेश। प्रशासन मतगणना को लेकर कर रहा पुख्ता इंतजाम। भारतीय जनता पार्टी के नेता और मेरठ से प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे अरुण गोविल ने वाराणसी में मतदाताओं को जागरूक करने का काम किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए लोगों को ज्यादा से ज्यादा मतदान करना चाहिए। इससे एक सशक्त राष्ट्र का भी निर्माण होता है और मतदाताओं के अंदर एक देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी का भी बोध होता है। कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि राजनीति में संयमित भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए। हमको अपनी मर्यादा और भाषा का ध्यान हमेशा रखना चाहिए। बांदा में देर शाम अज्ञात कारणों के चलते 15 साल की नाबालिग लड़की ने खुदकुशी कर ली। नाबालिग ने अपने मां और 10 साल के भाई को अंदर कमरे में बंद किया। बाहर कमरे में दरवाजे पर उसने खुदकुशी कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतारा। मृतका की मां ने लिखित पत्र देकर पोस्टमार्टम ना कराने की मांग की है। मृतका के पिता की 5 साल पहले ही मौत हो चुकी है। बांदा शहर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत सिविल लाइन चौकी क्षेत्र के काशीराम कॉलोनी हरदौली का ही पूरा मामला है। सर, मैं 10 ब्लॉक में रहता हूँ और 11 ब्लॉक की घटना है। काजल नाम की एक लड़की है, उसने अपने हाथ से सुसाइड कर ली। अपने घर वालों को कमरे के अंदर बैठ दिया था और बाहर वाले कमरे पर उसने पंखे से लटक कर फांसी दे दी है। पुलिस आई थी, पुलिस ने कार्रवाई की, लाश को नीचे उतारा। तब तक किसी ने हाथ नहीं लगाया जब तक प्रशासन नहीं आ गया। प्रशासन के आने पर सबने देखा सुना तो अज्ञात कारण के चक्कर से उसकी मौत हो गई। बांदा में बबेरी तहसील क्षेत्र अंतर्गत मारका थाना क्षेत्र के भवुआ डिग्री कॉलेज का एक पूरा मामला, जहां पर बाइक सवार को अज्ञात चार पहिया वाहन ने रौंद दिया, मौके से फरार हो गया। जैसे ही आसपास के लोगों ने देखा तो परिजनों को सूचना दी। मौके पर पहुंचे परिजनों के द्वारा 108 एम्बुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा देखते ही मृत घोषित कर दिया गया। मौत की खबर सुनकर परिवार में कोहराम मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज बांदा भेज दिया है। वह मृतक के बेटे लवलेश ने आरोप लगाते हुए कहा कि मुझे झूठे केस में गांव के ही लोगों द्वारा फंसाया जा रहा है, जिसकी बांदा कोर्ट में तारीख थी। उसी में मैं पिताजी के साथ बांदा गया था, जिसमें वहां पर विपक्षियों से बहस हुई। उसके बाद कोर्ट में तारीख के बाद हम गांव जा रहे थे, तभी बबेरू से मैं दूसरी की बाइक में आगे चल रहा था और पीछे बाइक में सवार होकर पिताजी आ रहे थे, तभी भवुआ डिग्री कॉलेज के पास अज्ञात वाहन ने पिताजी के एक्सीडेंट करवाकर मरवा दिया। ललितपुर जिले में एक भाजपा नेता के 3 दर्जन से ज्यादा महिलाओं को नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का शिकार बनाया गया है। 3 साल से दर दर भटक रहे पीड़ित लोग जब भी आवाज उठाने की कोशिश करते, तब शातिर ठग ने ज्वाइनिंग लेटर भेजकर, जिस पर उत्तर प्रदेश सचिवालय के मुहर का भी गलत इस्तेमाल किया गया, तो कभी चेक के माध्यम से पैसे वापस करने के लिए फर्जी चेक भर दिए गए। ना तो इन पीड़ित लोगों की आज तक नौकरी ही लग पाई है, ना ही उनको दिए गए चेक कैंसिल हो पाए हैं। वहीं सनातनी काफी दबंग किस्म का व्यक्ति है, पहले से ही कई मुकदमे इस पर चल रहे हैं। सूत्रों की माने तो जो ज्वाइनिंग लेटर इन 3 दर्जन से ज्यादा लोगों को दिए गए हैं, उन ज्वाइनिंग लेटर्स पर सचिवालय की मोहर भी फर्जी बताई जा रही है। नीचे लिखा आयुक्त सचिवालय आंगनबाड़ी सत्येंद्र चौधरी की मोहर और साइन भी फर्जी है। ललितपुर में 3 दर्जन से अधिक महिलाएं हुई ठगी का शिकार। हम आपको बता दें यह पूरा मामला भाजपा नेता बसंतराज गुप्ता बंटू महाराज से जुड़ा हुआ है। उन्होंने 2021 में निकली आंगनबाड़ी भर्ती में लगभग 3 दर्जन से अधिक महिलाओं को ठगी का शिकार बनाया है। इसमें लगभग बताया जा रहा है कि लगभग 50 लाख रुपए तक की ठगी हो सकती है। हम आपको बता दें, नौकरी दिलाने के नाम पर 3 कैटेगरी बांटी गई थी। उन 3 कैटेगरी में, एक कैटेगरी में 50,000, दूसरी कैटेगरी में 1 लाख और तीसरी कैटेगरी में 1.5 लाख रुपए की रिश्वत ली है। हम आपको बता दें, और इसमें प्रयोग किए गए कागजात जिनमें ज्वाइनिंग लेटर सारे फर्जी बताए जा रहे हैं। ज्वाइनिंग लेटर पर लगी हुई मोहर, जो सचिवालय की मोहर बताई जा रही है, वो भी फर्जी बताई जा रही है। उसके बाद मंडल आयुक्त के, जो सचिवालय के मंडल
के साइन है वो भी फर्जी बताए जा रहे हैं। अब इसके बाद देखने वाली बात यह होगी कि इसको जिला प्रशासन किस तरीके से देखता है, जिला प्रशासन इसमें पूरी कार्रवाई क्या करता है, जबकि इन महिलाओं ने कल पुलिस अधीक्षक मुश्ताक अहमद से मुलाकात की और उन्होंने कार्रवाई की मांग की है। हम आपको बता दें मुश्ताक अहमद ने इसमें जो है पूरे प्रकरण में कार्रवाई का आश्वासन तो दिया है, लेकिन कल से अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। देखने वाली बात यह भी होगी कि जिला प्रशासन इस पूरे प्रकरण में क्या कार्रवाई करता है और इस ठगी के पूरे प्रकरण में कितने लोग इन्वॉल्व हैं, कौन कौन लोग कहां कहां से इसके तार जुड़े हुए, यह देखने वाली बात होगी। ललितपुर से न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के लिए इमरान मंसूरी। झांसी के चिरगांव थाना क्षेत्र के नंदखास मौजे में बह रही बेतवा नदी परीक्षा से निकली मुख्य नहर में एक सेमरी निवासी युवक जरदान सिंह अरिवार पुत्र लक्ष्मी नारायण अरिवार उम्र करीब 25 साल अपनी मौलिक कुछ लोगों के साथ नहर में नहाने गया था, जिसके साथ जीतू पुत्र बेनी प्रसाद, साहिब सिंह पुत्र चरण सिंह, प्रदुमु गोरखपुर नितिन वीडियोग्राफर भिंड जिला के साथ कुछ दार के साथ गया था। घटना के बाद में घटनास्थल पर मौजूद रहे जीतू ने बताया कि उसके छोटे भाई राजकुमार की शादी है जिसकी बारात जानी है, घर में काफी रिश्तेदार थे जिससे नहाने के लिए जगह कम थी तो हम लोग नहर में नहाने चले गए, जिसमें जरदान सिंह को काफी रोका, वो किसी की नहीं माना और नहर में कूद गया, जबकि जरदान सिंह ड्रिंक किए हुए था, वो तैरते तैरते तेज धारा तक पहुंच गया और तेज बहाव में बह गया। फिलहाल खोजबीन जारी है, अब तक कुछ पता नहीं लग पाया है। सर जैसे हम लोग, मेरे घर शादी पड़ी है तो घर में सब मेहमान थे, सब लोग लेडीज नहा रहे थे, सब हम लोग सोचे सर यहाँ नहा लेकर चल जाएंगे, बारात भी जाना था, बाजार भी करने जाना था, इसलिए हम लोग 4-5 लोग थे नहाने, वो भी आ गया था सर नहाने के लिए, तो हमारे गांव का ही था वो भी। कौन था? जरदान। जरदान जी सर। क्या हुआ फिर यहाँ? तो उसको मना के सर वहाँ मैं तुमको नहाना ही नहा लो, दारू ड्रिंक पिया होता सर, वो उसको बोले यहाँ ही नहा लो बैठ के, तो नहीं तो यहाँ जाके कूद गया है वो, तो नहीं तैर पाया तो डूब गया वहीं, तो आप बगल में सबको सूचना दिए हैं। कितने बजे घटना? 12-1 बजे के बीच की सर घटना है। हाँ सर, हाँ सर, घर वालों को सूचना दी और यहाँ से जो लोग चारधाम यात्रा में फर्जी रजिस्ट्रेशन के तार दूसरे राज्यों तक जुड़े हुए हैं, इस बड़े गिरोह पर नकेल कसने के लिए अब हरिद्वार पुलिस ने कमर कस ली है। फर्जी रजिस्ट्रेशन मामले में अभी तक उत्तराखंड के अलग जिलों में 49 मुकदमे दर्ज हैं, जबकि आधा दर्जन से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अकेले हरिद्वार में इस मामले में करीब 1 दर्जन मुकदमे दर्ज हुए, जबकि 6 लोग पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। SSP हरिद्वार ने बताया कि इस मामले के तार दूसरे राज्यों से भी जुड़े हुए हैं, जिसमें राजस्थान, केरला, महाराष्ट्र सहित कई प्रदेश शामिल हैं। SSP ने बताया कि जिन जिलों में इस तरह के ट्रैवल एजेंसियों को लेकर उस जिले के SP को पत्र लिखा गया है, उन्होंने कहा कि कई एजेंसियां उनके रडार पर हैं, जिनके खिलाफ सबूत जुटाकर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। सारे एजेंसियां हमारे रडार में हैं, कई सारी ट्रैवल एजेंसियां जिनकी स्क्रूटनी की जा रही है, और कई एजेंसियों के द्वारा इस तरीके की जो मलाफाइड जो प्रैक्टिसेस हैं वो की गई हैं, उनको हम लोगों ने संज्ञान में लिया है, तो काफ़ी बड़े स्तर पर ये कार्रवाई की गई थी जिसको पुलिस ने संज्ञान में लिया है। यहाँ के साथ साथ हरिद्वार में भी और अन्य जनपदों में भी अलग अलग जगह पर मुकदमे कायम हैं, और जो अन्य राज्य हैं खासकर गुजरात, महाराष्ट्र, केरला, जहाँ के लोग, जहाँ की जो ट्रैवल एजेंसियाँ इसमें इन्वॉल्व हैं, उनके जो संबंधित राज्य के जितने SPs हैं उनको भी। हरिद्वार के गढ़मीरपुर गांव निवासी दंपति से पैसों का लालच देकर धर्मांतरण कराने का मामला सामने आया है। दंपति के बेटे ने देहरादून के विकास नगर निवासी एक मौलवी पर धर्मांतरण कराने का आरोप लगाया। शिकायत मिलने पर रानीपुर कोतवाली पुलिस ने मामले में आरोपी मौलवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए हैं। SSP प्रवीण सिंह डोभाल ने दावा किया है कि जल्द आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी। दरअसल गढ़मीरपुर गांव निवासी कुंदन की मां की तबीयत खराब रहती है। पिछले सर्दी में उसके बाद पिता देहरादून के विकास नगर में मुस्लिम धर्मगुरु और हकीम मुफ्ती आदिल के यहाँ इलाज कराने गए थे, लेकिन मुफ्ती आदिल ने धन और जमीन का लालच देकर उसके माता पिता का धर्म परिवर्तन करा दिया। कुंदन ने रानीपुर कोतवाली पुलिस को लिखित शिकायत देकर अपनी जान को खतरा बताया और मुफ्ती आदिल के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। एक व्यक्ति जो विकास नगर का रहने वाला है हकीम, उसके द्वारा उसके माता पिता का धर्मांतरण कराया गया, वो उसके यहाँ पास इलाज के लिए गए थे और उसके बाद वो उन्होंने मुस्लिम धर्म की ओर अपना रुझान दिखाया है। पुलिस ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए तत्काल अभियोग पंजीकृत किया है और विकास नगर थाना क्षेत्र में भी उसकी हम तलाश कर रहे हैं, जल्द ही इसमें जो भी लीगल कार्रवाई है वो पुलिस के द्वारा की जाएगी। गाजियाबाद के थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत टीम गठित कर GT रोड रेलवे स्टेशन कट के पास सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। कुछ देर बाद एक संदिग्ध मोटरसाइकिल दिल्ली की तरफ से आती हुई दिखाई दी, जिसे पुलिस पार्टी द्वारा रोकने का इशारा किया गया तो वो रुका नहीं, बल्कि रेलवे स्टेशन की तरफ मुड़कर तेजी से जाने लगा। कुछ दूर आगे चलकर जल्दबाजी में वो बाइक पटरी से
के पास गिर गई। बाइक सवार व्यक्ति द्वारा अपने आप को पुलिस द्वारा घेरता देख पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया, जिसमें पुलिस टीम बाल बाल बची और पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षा और जवाबी कार्रवाई में बदमाश के दाएं पैर में गोली लगी, जिसको घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया है। थाना साहिबाबाद एवं स्वाट टीम ट्रांसिंडन जोन की संयुक्त पुलिस टीम के द्वारा सघन वाहन चेकिंग का अभियान रेलवे रोड क्षेत्र में चलाया जा रहा था। उसी दौरान एक वाहन पर संदिग्ध सवार आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस टीम ने जब उसे रोकने का प्रयास किया तो वह अपने मोटरसाइकिल को मुड़ा करके रेलवे स्टेशन की तरफ काफ़ी तेज़ी से भागने का प्रयास किया। पुलिस टीम ने उसका पीछा किया। जब पुलिस टीम से अपने आप को घिरता हुआ उसने देखा तो पुलिस टीम को लक्ष्य करके उसने जानलेवा फायरिंग कर दी। पुलिस टीम ने अपने आप उत्तर प्रदेश की योगी सरकार एक तरफ महिलाओं के प्रति नए नए कानून बना रही है, तो वहीं कानून की रक्षा के कानून का दिन भर पाठ पढ़ाते रहते हैं। मामला हरचंदपुर थाने क्षेत्र के अंतर्गत जोहवा सरकी गांव का है, जहां दो पक्षों में जमीनी विवाद चल रहा था। एक पक्ष में हरचंदपुर थाना पहुंचकर शिकायत करने के बाद उप निरीक्षक प्रकाश पांडे आग बबूला हो गए और एक महिला को बुरी तरह से पीट दिया। पीटने के साथ साथ उसके कपड़े भी फाड़ दिए। जाति सूचक शब्दों से गाली देते हुए लड़की के मां और पिता को थाने में बैठा लिया और एक पक्ष का ही 151 चालान रिपोर्ट तैयार कर दिया। उप निरीक्षक प्रकाश पांडे हमेशा विवादित सुर्खियों में रहते हैं, चाहे वो जिला अस्पताल रहा हो, चाहे वो उच्चाहार रहा हो। जिस थाने में जहां रहते हैं वो अक्सर विवादित कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं। कहीं ना कहीं ऐसे भ्रष्ट उप निरीक्षकों को सत्ता का रसूख मिला होता है, इसलिए गरीबों पर रौब बैठने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। सरोज कुमारी जोहवा सरकी थाना हरचंदपुर, ये प्रकाश पांडे मारी रही, लड़ा के मारी रही। कौन है प्रकाश पांडे? दरोगा है। किस लिए मारा है? यार जमीन का मैटर था, मेरे भाई ने कहा कि जो हम लेखपाल को फोन कर रहे हैं, आपको विभाग वाले तो जान लेते हैं, लेकिन दरोगा आप तो आपका मार रहे हैं मुझको। बस हम अपने भाई को छुड़ाने लगे, बस अपना मार शुरू कर दिया। थाने गई थी क्या आप लोग? नहीं, घर में आके मारा। रायबरेली में ज्येष्ठ माह के पहले मंगलवार को जिले के सभी हनुमान मंदिरों में उमड़ा भक्तों का सैलाब। सुबह से ही मंदिरों के बाहर भक्तों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार ऐसी मान्यता है कि ज्येष्ठ माह में मंगलवार के दिन किष्किंधा पर्वत पर हनुमान जी की भगवान श्री राम से मुलाकात हुई थी और भगवान राम ने हनुमान जी को आशीर्वाद देते हुए भक्त के रूप में स्वीकार किया था। तभी से ज्येष्ठ माह के मंगलवार को हनुमान जी के दिन के रूप में मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि ज्येष्ठ माह में पड़ने वाले मंगलवार को अगर कोई भी भक्त अपनी सच्ची श्रद्धा आस्था के साथ हनुमान जी का विधिवत पूजन करता है तो हनुमान जी उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरा जरूर करते हैं। इसी आस्था और विश्वास के साथ आज बड़ी दूर दूर से लोग हनुमान जी के दर्शन करने के लिए सुबह से ही मंदिर के बाहर सुंदरकांड हनुमान चालीसा बजरंग बाण का पाठ करते हुए नजर आए। बड़े मंगल में आज प्रथम मंगलवार है ज्येष्ठ मास का। आज गुरु का पुष्पों द्वारा श्रृंगार एवं सिंदूर द्वारा हनुमान जी का भव्य श्रृंगार कराया गया एवं शाम को सुंदरकांड का पाठ एवं पूरी प्रसाद, सब्जी प्रसाद और हलवा प्रसाद का भोग लगेगा, जो सायं 6 बजे से देर रात तक चलता रहेगा और प्रसाद वितरण किया जाएगा। बाइक पर बैठकर हाथ में अवैध असलाह लहराते हुए वीडियो वायरल। हाथ में अवैध असलाह लेकर बाइक पर बैठकर रील बनाते हुए युवक का वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में युवक हाथ में अवैध असलाह लहराता नजर आ रहा है। वायरल वीडियो सहसान कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला जहांगीराबाद का बताया जा रहा है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने ऋषिकेश के चारधाम यात्रा ट्रांजिट कैंप पहुंचकर यात्रा व्यवस्था, तीर्थयात्रियों के लिए की गई व्यवस्था को लेकर विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे, जिलाधिकारी सोनिका सिंह, पर्यटन विभाग के अधिकारियों से चारधाम यात्रा में तीर्थयात्रियों के लिए की गई व्यवस्था पर फीडबैक लिया। वहीं मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बताया कि चारधाम यात्रा करने के लिए विभिन्न प्रांतों से तीर्थ श्रद्धालु बड़ी संख्या में उत्तराखंड आ रहे हैं, जिन्हें सुगम सुरक्षित करवाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। मुख्य सचिव ने बताया कि चारधाम यात्रा पूरी तरह से व्यवस्थित चल रही है। उत्तराखंड के जो चारों धाम हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, और उसमें बहुत संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं सभी प्रदेशों से। और यात्रा का जो एक मुख्य पड़ाव है वो ऋषिकेश है, क्योंकि ऋषिकेश से ही यात्रा ऊपर जाती है चारों धाम की। और यहाँ पे जो ये ट्रांजिट कैंप है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है जहाँ पे यात्रियों का ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी होता है, यहाँ से उनको भेजा जाता है, यहाँ उनको बेसिक कुछ सुविधाएं भी दी जा रही हैं जिनको
वेट करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा के थाना नौगावा क्षेत्र के ग्लोबल अस्पताल में अस्पताल के कर्मचारियों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि अस्पताल पर स्टाफ के लगभग 50 लाख रुपए की सैलरी बकाया है। अस्पताल के स्टाफ के हंगामे की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। अमरोहा का चर्चित अस्पताल ग्लोकल के स्टाफ ने इकट्ठा होकर अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा काटा। आरोप है कि 50 लाख से ज्यादा सैलरी हो चुकी है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है। शिकायत भी कर चुके हैं उसके बावजूद भी है यहाँ पे, जैसे स्टाफ को इन्होंने थोड़े से पैसे दे दिए, लेकिन उसके साथ कि मैंने तुझे पैसे दे दिए थे, आवाज दबाने की कोशिश करते हैं, धमकी निकालने की होती है, लेकिन सैलरी किसी की नहीं आई है। सर कौन सा अस्पताल का मामला है? लोकल हॉस्पिटल। और एम्प्लॉय कहाँ से आए थे? ये हेड ऑफिस कोलकाता से आए हुए हैं, कि कुछ एचआर थे हमारे हेड ऑफिस के। अच्छा, अभी आप लोग एक मीटिंग में बैठे थे, उस पर बाद भी आपसी विवाद चल रहा था आप लोगों का, तो वो पूरा मामला क्या था? पूरा मामला कुछ नहीं सर, बस ये है सैलरी का ही है। हम लोग कुछ और मांग नहीं कर रहे, सिर्फ अपनी सैलरी कर रहे हैं, मेहनत करते हैं हम, लड़कियां हैं, नाइट में निकल कर आते हैं अपने घर से काम कर रहे हैं, मजबूरी में निकल गए हैं, लेकिन हमें सैल्यूशन नहीं मिलता ना सैलरी। बादराबाद में करोड़ों रुपए की ग्राम सभा की भूमि को खुर्द बुर्द कर स्थानीय बिल्डर्स को ट्रांसफर करने को लेकर जिलाधिकारी को एक शिकायती पत्र देकर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई है। ग्रामीणों ने सरकारी कर्मचारी अधिकारियों ग्राम प्रधान पर मिलीभगत करने का आरोप लगाया। बादराबाद के लोगों ने रोशनाबाद स्थित कलेक्ट्रेट में पहुंचकर जिलाधिकारी को एक शिकायती पत्र सौंपा है। ग्रामीणों ने स्थानीय बिल्डर पर ग्राम प्रधान, सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों से मिलीभगत कर बादराबाद ग्राम सभा की करोड़ों रुपए की भूमि को अपने हक में स्थानांतरित कर लेने का आरोप भी लगाया। शिकायतकर्ता संजय कुमार, सदस्य क्षेत्र पंचायत अनिल कुमार दाता चौहान। ग्रामीणों ने बताया कि बादराबाद में ग्राम सभा की भूमि खसरा नंबर 325-2 पर हरा आम का बाग खड़ा हुआ था। खसरा नंबर भूमि के करोड़ रुपए की कीमत है, जो प्रतिवर्ष ग्राम सभा की आमदनी का स्रोत है। इसके अलावा भी अन्य खसरा नंबर सरकारी भूमि, कई विभागीय परियोजनाओं का संचालन, निर्माण कार्य गतिशील है। आरोप लगाया कि सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, ग्राम प्रधान भूमि को भूमाफियाओं को स्थानांतरित कर करोड़ों रुपए का गोलमाल कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि जो ये जमीन बेची गई बादराबाद ग्राम पंचायत की, इसको भूमाफियाओं से मुक्त कराया जाए। और ये क्या कारण है, ये जमीन बेची गई, क्या लाभ है इसको ग्राम पंचायत को, जो लाभ पहुँचा जा रहा है ये सिर्फ भूमाफिया को लाभ पहुँचा जा रहा है, ग्राम पंचायत को लाभ नहीं इसका बिल्कुल भी है। और जो हमारा कम से कम 60 साल पुराना बाग है, ये हरा भरा बाग है, इसे बंजर दर्शाकर पटवारी की मिली भगत से और प्रशासन मिली भगत से इसको बंजर दिखाकर बेच दिया गया है। तो हमारी शासन प्रशासन से अपील है कि इस कार्य को ना किया जाए और ये बाग को जुगा तो ऐसा रखा जाए। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।